एट, वर्बल और ओरल। अब देखते हैं वर्बल और ओरल का प्रयोग किस तरह से किया जाता है सेंटेंस में। वर्बल का अर्थ है और पर्टेनिंग टू वर्ड्स। जब किसी सेंटेंस के हर एक वर्ड्स का महत्व हो तो वर्बल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह लिखित में हो या मौखिक। वर्बल का अर्थ है ऑफ और पर्टेनिंग टू वर्ड्स। जब किसी सेंटेंस के हर एक वर्ड्स का महत्व हो तो वर्बल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह लिखित में हो या मौखिक में। कहने का अर्थ हुआ किसी भी वर्ड्स को, यदि कोई बात है, कोई सेंटेंस है, तो उसको हूबहू बोलना या लिखना को ही लिए ही वर्बल का प्रयोग किया जाता है। वर्बल मीन्स ऑफ और पर्टेनिंग टू वर्ड्स। रिटेन का उल्टा है ओरल। मुंह से कही गई लगभग सभी बातों के लिए ओरल का इस्तेमाल होता है। रिटेन का अर्थ होता है, उल्टा अर्थ होता है ओरल। मुंह से कही गई लगभग सभी बातों के लिए ओरल का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए किसी आदमी को हम डॉक्टर के पास भेजे हैं दवा लाने के लिए। उसे हम अपनी तबीयत के बारे में बता दिया कि क्या-क्या तकलीफ है। अब वह आदमी डॉक्टर के पास जाकर हमारे तबीयत के बारे में अपनी भाषा में कहेगा। हम उसे जो वर्ड्स कहे थे वही वर्ड्स को तो वह नहीं कहेगा, बल्कि उसी बात को घुमा फिराकर अपनी भाषा में कहेगा। चूंकि हमारे द्वारा कही गई प्रत्येक वर्ड्स का यहाँ अलग-अलग महत्व नहीं है, इसलिए यहाँ ओरल का इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या चीज़ का यूज करेंगे? ओरल का। एक ही बात को किसी दूसरे तरह से कहा गया है तो ऐसी बातों के लिए ओरल वर्ड्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना हो तो हमें ट्रांसलेशन करने के लिए प्रत्येक वर्ड को महत्व देना पड़ेगा। अतः यहाँ वर्बल का इस्तेमाल होना चाहिए, ओरल का नहीं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है तो हमें ट्रांसलेशन करने के लिए प्रत्येक वर्ड्स का महत्व देना पड़ता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग वर्बल का इस्तेमाल करते हैं, ओरल का नहीं। फर्स्ट, देयर आर ए फ्यू वर्बल डिफरेंसेज इन द टू मनुस्क्रिप्ट, अर्थात दोनों पांडुलिपिया में कुछ शाब्दिक अंतर है। देखिए बोलते हैं देयर आर ए फ्यू वर्बल डिफरेंसेज इन द टू मनुस्क्रिप्ट, अर्थात इसका हिंदी हुआ दोनों पांडुलिपियों में कुछ शाब्दिक अंतर हैं। सेकंड, यू एंड ही इंटर्ड इंटू ए वर्बल एग्रीमेंट, अर्थात आप एवं वह एक मौखिक समझौता किया। यू एंड ही इंटर्ड इंटू ए वर्बल एग्रीमेंट, अर्थात आप और वह एक मौखिक समझौता किया। थर्ड, ही इज नॉट कॉन्फिडेंट इन वर्बल ट्रांसलेशन, अर्थात मौखिक ट्रांसलेशन में वह आत्मविश्वासी नहीं है। ही इज नॉट कॉन्फिडेंट इन वर्बल ट्रांसलेशन, अर्थात मौखिक ट्रांसलेशन में वह आत्मविश्वासी नहीं है। फोर, द स्टूडेंट्स ऑफ ग्लोबल बैंक कोचिंग आर कॉन्फिडेंट इन वर्बल रीजनिंग, अर्थात जीबीसी के छात्र शाब्दिक तर्कशास्त्र में आत्मविश्वासी हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ ग्लोबल बैंक कोचिंग आर कॉन्फिडेंट इन वर्बल रीजनिंग, अर्थात जीबीसी के छात्र शाब्दिक तर्कशास्त्री में आत्मविश्वासी हैं। फाइव, ही गैव मी सम ओरल इंस्ट्रक्शंस नॉट रिटन, अर्थात उसने मुझे कुछ मौखिक निर्देश दिया लिखित नहीं। ही गैव मी सम ओरल इंस्ट्रक्शंस नॉट रिटन, अर्थात उसने मुझे कुछ मौखिक निर्देश दिया लिखित नहीं। ओरल इंस्ट्रक्शंस मीन्स मौखिक निर्देश। द बॉय वॉज सेंट टू द डॉक्टर विथ एन ओरल मैसेज, अर्थात उस लड़के को डॉक्टर के पास कुछ मौखिक संदेश के पास साथ भेजा गया। द बॉय वॉज सेंट टू द डॉक्टर विथ एन ओरल मैसेज, अर्थात उस लड़के को डॉक्टर के पास कुछ मौखिक संदेश के साथ भेजा गया।
ही वॉन्ट्स टू गिव मी एंड ओरल रिप्लाई, अर्थात वह मुझे मौखिक जवाब देना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गिव मी एंड ओरल रिप्लाई, अर्थात वह मुझे मौखिक जवाब देना चाहता है।